गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए कक्षा 9 मैथ हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो चल रही थी वो आपकी 6E चल रही थी, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमने बताया था। इसके आगे के क्वेश्चन लगाइए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ और अपना बुक से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 9 बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8, ये लगा के सेंड करना है, ठीक है। ये लगाइए और ग्रुप पर सेंड कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। अगर कोई समस्या उन क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वो क्वेश्चन आपका बता दिया जाएगा। देखो चित्र बना है, कोण एक्स दिया है 62 डिग्री यानी 62 अंश दिया है और एक्स वाई जेड 54 दिया है। यदि वाई और वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं तो कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए, समझे। तो मैं इधर में चित्र बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो है अपनी बुक से पढ़िए। एक्सरसाइज ये आपकी है 6E। क्वेश्चन नंबर 9, ये चित्र बना हुआ है, त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारा 62 अंश दिया हुआ है और ये दिया है हमारा 54 54 डिग्री। इस कोण को ये जो वाई ओ जेड ओ ये सब द्विभाजक हैं, ये ओ बिंदु पर मिलते हैं, समझा गया। तो पहले तो देखिए जो चीज़ दी हुई, एक्स बराबर दिया है हमारा 62 अंश, कोण एक्स वाई जेड जो दिया है हमारा 54 अंश दिया है और हमको कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ये दोनों कोण निकालने हैं, समझ रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए देखिए लगाते हैं क्वेश्चन। हाँ पहले ये देख लिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, सभी को पता है। ये कोण दिया है हमारा 62 अंश, ये दिया है 54 अंश, तो ये हमारा कोण, ये पूरा कोण हम निकाल लेंगे, समझ आ रहा है, समझे। इसके बाद में ये और ये जो वाई ओ जेड ओ जो हैं, वाई ओ जेड कोण के समद्विभाजक हैं, दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कोण जो हो गया पूरे कोण का आधा होता है, ये वाला भी कोण पूरे कोण का आधा होता है। तो ये कोण हमको जब पता हो जाएगा तब देखो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो तीनों अंतः कोणों से हम ये कोण भी निकाल सकते हैं, समझ रहा। तो देखिए ओ जेड वाई ये पहले पूछ रहा है और वाई ओ जेड। तो सबसे पहले हम अगर ये पता करना है तो हमको ये कोण भी निकालना पड़ेगा, कि पूरा कोण अगर हम निकाल लें तो ये इसका आधा हो गया, समझा रहा है। तो हम पूरा कोण निकाल लेंगे, लेकिन वो पूरा कोण कैसे निकालेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये कोण पता है, ये पता है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई बराबर हो गया हमारा 180, ठीक। कितना हो गया हमारा 180 अंश। अब एक्स वाई जेड हमारा 54 दिया है, 54 अंश दिया है, ये कोण हमारा दिया है 62 अंश दिया है, ठीक है। प्लस कोण एक्स जेड वाई हमको निकालना है बराबर 180 अंश। 4 और 2 कितना हो गया 6 6 5 11, 116 अंश हो गया। कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 अंश, ठीक है। ये उधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, कोण एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 116, ठीक। तो कोण एक्स जेड वाई जो हो जाएगा हमारा 10 से 6 गया 4, यहाँ 7 में 3 गया 6 यानी 64 अंश आ गया 64।
यानी ये जो कोण आ गया हमारा 64 डिग्री आ गया, समझ गया। अब हमको निकालना है ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई जो होगा ये पूरे कोण का आधा होगा क्योंकि समद्विभाजक है, समझा गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ओ जेड वाई बराबर होगा एक बटा दो ओ जेड वाई बराबर एक बटा दो इंटू कोण एक्स जेड वाई के, एक्स जेड वाई तो एक बटा दो गुणा एक्स वाई, एक्स जेड वाई कितना है 64, इसको हम काट देंगे कितना हो जाएगा 32, 32 डिग्री, यानी ये जो कोण आ गया हमारा 32 अंश आ गया, समझ आ गया। कोण ओ जेड वाई कितना आ गया, ओ जेड वाई हमारा 32 अंश आ गया, ठीक है। अब ये कोण पूछ रहा है, उसके लिए हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, अगर ये कोण हमको पता हो जाए, ठीक है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, फिर हम लगा सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसमें ये कोण पता हो गया, ये भी पता हो जाएगा तो ये निकल आएगा, समझा रहा है। तो ये कोण हम कैसे निकालेंगे, ये भी समद्विभाजक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ओ वाई जेड बराबर हो जाएगा एक बटा दो इंटू कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड तो एक बटा दो गुणा एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है 54 दिया है, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 27 अंश, यानी कोण ओ वाई जेड जो आ जाएगा हमारा 27 अंश निकल के आ गया है, ये कितना आ गया हमारा 27 अंश, समझा गया। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ वाई जेड बन रहा है, ओ वाई जेड, तो त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 अंश के बराबर कर देंगे, जिसमें दो कोण ये हमको पता है तो तीसरा कोण हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में कोण ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड निकालना है ना हमको, वाई ओ जेड बराबर हो गया हमारा 180 अंश। तो ओ वाई जेड, ओ वाई जेड आ गया हमारा 27, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई हमारा है 32 अंश, प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश, समझा गया। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 9 3 2 5 59 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 घटाइए 10 में से नेगा 1, यहाँ 7 में से 5 गया 2, कितना हो जाएगा 121 अंश, यानी कोण वाई ओ जेड जो आ गया हमारा 121 डिग्री 121 121 अंश आ गया, समझा गया कितना आ गया 121। अब तीनों को जोड़ लीजिए, अगर 180 अंश के बराबर हो रहा है तो ये क्वेश्चन सही है, 7 2 9 1 10 3 2 5 2 7 1 8 180 अंश हमारा सही है। तो ये कोण जो निकल के आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कोण वाई ओ जेड हमारा आ गया 121 अंश आ गया निकल के, समझ आ गया। और जो ये कोण पूछ रहा था कोण ओ जेड वाई जो हमारा निकल के आया था वो 32 अंश निकल के आ गया था, समझ आ गया, यही हमारे आंसर हैं, समझे। तो निकाल लोगे सभी लोग, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जिस टाइप से कहे उस टाइप से क्वेश्चन को लगाते जाइए। तो बाकी क्वेश्चन ये लगाइए जो पीछे क्वेश्चन है 6 7 8 इनको लगा के ग्रुप पर सेंड कीजिए, और जो आगे जो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बच्चे हैं वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, और जितना होमवर्क बताया जाता है वो होमवर्क करके ग्रुप पर सेंड किया करो। थैंक यू।